रात का समय था, चारों ओर गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। केवल एक ही कमरा प्रकाशित था, वहाँ चार मोमबत्तियाँ जल रही थी। चारों मोमबत्तियाँ एकांग देख आपस में बातें करने लगी। पहली मोमबत्ती बोली, मैं शांत हूँ, जब मैं इस दुनिया को देखती हूँ तो बहुत दुखी होती हूँ। चारों ओर आपाधापी, लूट कसौटी और हिंसा का बोलाबाला है, ऐसे में यहाँ रहना बहुत मुश्किल है, मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती। इतना कहकर मोमबत्ती बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती भी अपने मन की बात कहने लगी, मैं विश्वास हूँ, मुझे लगता है कि झूठ, धोखा, फरेब, बेईमानी, मेरा वजूद खत्म होते जा रहे हैं, ये जगह अब मेरे लायक नहीं है, मैं भी जा रही हूँ। इतना कहकर दूसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती भी दुखी थी, वह बोली, मैं प्रेम हूँ, मैं हर किसी के लिए हर पल जल सकती हूँ, लेकिन अब किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं बचा। स्वार्थ और नफरत का भाव मेरा स्थान लेता जा रहा है, लोगों के मन में अपनों के प्रति प्रेम भावना बची नहीं है, अब ये सहना मेरे बस की बात नहीं है, मेरे लिए जाना ही ठीक होगा। कहकर तीसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी बत्ती बुझी ही थी कि कमरे में एक बालक ने प्रवेश किया। मोमबत्ती को बुझा हुआ देख उसे बहुत दुख हुआ, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। दुखी मन से वो बोला, इस तरह बीच में ही मेरे जीवन में अंधेरा कर कैसे जा सकती हो तुम, तुम्हें तो अंत तक पूरा जलना था, लेकिन तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, अब मैं क्या करूँगा। बालक की बात सुन चौथी मोमबत्ती बोली, घबराओ नहीं बालक, मैं आता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब तक मैं जल रही हूँ तुम मेरी लौ से दूसरी मोमबत्ती को भी जला सकते हो। चौथी मोमबत्ती की बात सुन बालक का ठाठस बंध गया, उसने आशा के साथ शांति, विश्वास और प्रेम को पुनः प्रकाशित कर लिया। दोस्तों, इस कहानी से जो हमें सीख मिलती है उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों जीवन में समय एक सा नहीं रहता है, कभी उजाला रहता है तो कभी अंधेरा। जब जीवन में अंधकार आए तब मन अशांत हो जाता है, विश्वास टकमगाने लगता है और दुनिया पराई लगने लगती है, तब आशा का दीपक जला लेना चाहिए। जब तक आशा का दीपक जलता रहेगा जीवन में कभी अंधेरा हो ही नहीं सकता। आशा के बल पर हम जीवन में सब कुछ पा सकते हैं, इसीलिए आशा का कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो दिल से धन्यवाद।